अवैध दोना पत्तल फैक्ट्री में बाल श्रम मजदूरी करते 27 बच्चे की रेस्क्यू, बड़ी की प्रमुख खबर। चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति व पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल श्रम करते 27 छोटे छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया। पुलिस उप अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि दोना पत्तल की फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे, जो गुमट पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी ने बताया कि फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ बाल कल्याण समिति द्वारा मामला दर्ज कराया गया है, साथ ही बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों के पुनर्वास की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। आज चाइल्ड लाइन को एक शिकायत प्राप्त हुई कि घुमट चौकी बाड़ी के पास दोना पत्तल की फैक्ट्रियों में 40 से 50 बच्चे काम कर रहे हैं। उस सूचना पर चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति एवं बाल कल्याण अधिकारी थाना बाड़ी की संयुक्त कार्रवाई में फैक्ट्री का सत्यापन कराया गया। सूचना सही पाए जाने पर बालकों को रेस्क्यू की कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 27 बालक रेस्क्यू कराए गए हैं, जिनके पुनर्वास करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बच्चों का क्या होगा? बच्चों के पुनर्वास किया जाएगा। चाइल्ड लाइन से हमें सूचना मिली थी कि गुमड़ चौकी के पास में और बारिशम करवाया जा रहा है, तो और उन्होंने इस चीज़ का सत्यापन भी कर लिया था। उनकी इस सूचना पर बाड़ी थाने के बाल कल्याण अधिकारी के साथ हमने सिविल ड्रेस में जाब्ता भेजा था, तो वहाँ से करीब 25 बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू कराया गया है और अब विधि सम्मत कर दिया जाएगा। तसीमों में 10 दिवसीय शहीद मेले का हुआ उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज का नाम शहीदों के नाम पर रखने के प्रस्ताव का जिला कलेक्टर ने किया समर्थन। सैपऊ धौलपुर की प्रमुख खबर। शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर तसीमों में शहीदों की याद में 10 दिवसीय शहीद मेले का विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा उद्घाटन किया गया। 1947 की क्रांति के हीरो रहे शहीद छतर सिंह परमार, पंचम सिंह कुशवाहा, राम सिंह कुशवाहा के शहादत दिवस एवं स्वतंत्रता सेनानी गेंदाराम कुशवाहा, कल्लाराम कुशवाहा, पन्नालाल कुशवाहा के पराक्रम दिवस 11 अप्रैल के दिन ग्राम पंचायत तसीमो और छतर सिंह परमार, पंचम सिंह कुशवाहा सेवा समिति तसीमो द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा एवं कार्यक्रम अति विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत तसीमो सरपंच श्रीमती नीलम परमार द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि लवकुश सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह कुशवाहा भरतपुर, सैपऊ तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, उप तहसीलदार राकेश गिरी, जय भोले कुशवाहा, विकास समिति के अध्यक्ष रामहित कुशवाहा, राजा भैया परमार राजाखेड़ा, सैपऊ पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह परमार, समाज सेवी रामवीर सिंह परमार, श्रीमती पार्वती कुशवाहा, शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, शहीद छतर सिंह पंचम सिंह मेला कमेटी के अध्यक्ष हरेंद्र परमार, सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी के अलावा चरण सिंह कुशवाहा, गुरेलाल कुशवाहा, अंकित मित्तल, बंटी शर्मा, अशोक कुमार, लवकुश सेना समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह कुशवाहा, लवकुश सेना प्रणेता डीके कुशवाहा, नीतू कुशवाहा, शहीद समिति मीडिया प्रभारी विवेक मित्तल, राम नरेश शर्मा, दिनेश परमार, उदय सिंह कुशवाहा, कैलाशी परमार, कलुआ सिसोदिया, वीरेंद्र परमार, सचिव प्रताप सिंह पहाड़िया, लोकेंद्र जाटव, विनोद पहाड़िया, रामनिवास शर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा आदि हजारों की संख्या में शहीद समिति एवं मेला कमेटी के पदाधिकारी गण के साथ साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण एवं क्षेत्रीय बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि राजवीर सिंह क्रांति द्वारा किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में गौरवान्वित हुए इस ग्राम के शहीद छतर सिंह जी, पंचम सिंह जी की 76वीं पुण्यतिथि पर आज आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी याद में, उनकी पावन स्मृति में जो 10 दिवसीय मेला आयोजित होने जा रहा है, और यहाँ हमने चूंकि आपके ही माननीय विधायक द्वारा, शोभा रानी जी द्वारा विधानसभा में भी ये प्रश्न रखा गया था कि हमारी जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, इनका नाम
इनके इन शहीदों के नाम पे रखा जाए, तो उससे मेरे को बिल्कुल याद आया। और आज ये सारे हमारी व्यस्तताएँ छोड़कर मैंने कहा इस प्रोग्राम में ज़रूर जाना चाहिए। एमएलए साहब का भी फोन आया था, तो मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। और मेरे को खुद को बढ़ाया गर्व का एहसास हो रहा है कि हमारे ये सपूत जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उनकी स्मृति में आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोग उनकी स्मृति संजोए रखते हो। जनमानस में उतारने के लिए यहाँ इस तरह का कार्यक्रम और 10 दिवसीय मेला बावजूद हमारे मौसम के फसल कटाई के व्यस्तता के मौसम इतना गर्म हो रहा है तब भी आप इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो ये आप लोगों की राष्ट्रभक्ति और उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है कि आप लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। तो इस आयोजन के लिए आप लोगों को बहुत साधुवाद। इस मेले के उज्ज्वल भविष्य सुगम भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इस मेले में आप लोग सब लोग एकत्रित होंगे, भाईचारा सद्भाव से अच्छे ढंग से इसको संपन्न कराएंगे। और मैं आज के इस अवसर पर आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको जैसा पता है राज्य सरकार ने बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं आप लोगों के लिए की है, उन्हीं घोषणाओं की क्रियान्विति में ग्राम पंचायत यानी गांव कसीबों में एक विशाल सभा का आयोजन, एक विशाल मेले का आयोजन ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह के सम्मान में किया जा रहा है। हाँ, छत्तर सिंह परमार और पंचम सिंह कछवाहा, ये दोनों ऐसे वीर थे श्रोताओं, मेरे वीरों, इन्होंने जब 1947 में अंग्रेजों ने यह ऐलान कर दिया था कि कोई भी वीर तिरंगा झंडा लेकर के नहीं आएगा, हाँ आज के दिन 11 अप्रैल को, और जब इन दोनों वीरों ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में थामा तब अंग्रेजों ने इनको लगाया कि तिरंगा को फेंक दो, तब इन दोनों वीरों ने अपने सीने से तिरंगा झंडे को अपने सीने से लगा करके, और जब तक उनको गोली लगी इनके प्राण जब तक नहीं निकले तब तक इन्होंने झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। आज मैं ऐसे वीरों को सब सब नमन और ऐसे ग्राम को और ऐसे उनके वंशजों को बार बार हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और उस तिरंगे झंडे को जिसको इन्होंने थामा था उसको कोई साधारण झंडा नहीं था, वो उसके संबंध में दो लाइन देखेंगे, हे सिर्फ तिरंगा इसे न समझो, हे स्वाधीन देश की रे भाषा रे, पंचम सिंह भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ जाओ ऊपर आ जाओ। बसेड़ी विधायक ने जन सुनवाई कर समस्या समाधान का दिया आश्वासन। बसेड़ी की प्रमुख खबर, विधायक अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग खिलाड़ीलाल बैरवा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ जन समस्या सुनी एवं उनके समाधान कराने के निर्देश दिए। प्रशासनिक कर्मचारियों ने विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर अपनी मांग को मंजूर कराने की बात रखी। विधायक ने सभी कर्मचारियों को उनकी मांग को जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत बड़रिया में विधायक के पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों ने स्वागत किया। विधायक ने ग्रामवासियों की मांग पर सरकारी क्रमोन्नत स्कूल का फीता काटकर उद्घाटन किया। बसेड़ी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बड़रिया ग्रामवासियों की जन समस्या सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़कों का जाल बिछाने में किसी भी क्षेत्र को वंचित नहीं रहने दूंगा। इस मौके पर सरपंच अतर सिंह द्वारा सभी आगंतुकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता बद्री प्रसाद परमार, कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष राम खिलाड़ी शर्मा, पूर्व प्रधान उदयभान सिंह गुर्जर, प्रधान प्रतिनिधि दिना गुर्जर, भगवान सिंह कुशवा, ताजपुरा सरपंच मलखान सिंह गुर्जर, नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवा, मंडल अध्यक्ष ओमकार शर्मा, भोलू गुर्जर भारली, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता व प्रशासनिक अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी विश्वदेव शर्मा, सरमथरा पुलिस उप अधीक्षक सुरेश डाबोरिया, बसेड़ी तहसीलदार मनोज भारद्वाज, थाना अधिकारी राम अवतार बैरवा सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। जी अधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष ओंकार जी, पूर्व सरपंच, सरपंच ताजपुरा, सरपंच नाथ,
पीएम श्री योजना में बाड़ी ब्लॉक के दो विद्यालयों का हुआ चयन। प्रत्येक विद्यालय को मिलेगा 2 करोड़ का बजट। अत्याधुनिक सुविधाओं का होगा विस्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वाधान में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त शिक्षा संकुल जयपुर द्वारा जारी लिस्ट में धौलपुर जिले के 8 विद्यालयों में बाड़ी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला बाड़ी और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रहल का पीएम श्री योजना में चयन हुआ है। इस योजना में चयनित दोनों विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधाओं के विस्तार हेतु 2-2 करोड़ रुपए का बजट जारी होगा। हाल ही में शिक्षा संकुल जयपुर से आई टीम द्वारा जिले व ब्लॉक के अधिकारियों के साथ विद्यालयों का सर्वे कर जिले के 8 श्रेष्ठ विद्यालयों का पीएमसी योजना के लिए चयन किया था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह शिकरवार और रहल विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य पारसराम पवार ने अपने संयुक्त उद्बोधन में बताया कि ये विद्यालय हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। बच्चे 3D तकनीक से पढ़ेंगे। विद्यालय में सुविधाओं के लिए प्रत्येक क्लासरूम में प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट टीवी, विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर पैनल, पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था, वाईफाई युक्त कैंपस, फर्नीचर, खिलौना बैंक, सुसज्जित ग्रीन पार्क, डिजिटल लाइब्रेरी, विकसित स्मार्ट प्लेग्राउंड के साथ साथ खेलों के लिए ट्रैक एवं कोर्ट जैसे खेलकूद के अत्याधुनिक संसाधन होंगे। स्मार्ट पोषण वाटिका, ऑफिस मटेरियल के साथ साथ अत्याधुनिक वाद्य यंत्र शाला का निर्माण विद्यार्थियों हेतु करवाया जाएगा। दोनों विद्यालयों के स्टाफ एवं अभिभावकों ने पीएमसी योजना में योगदान के लिए स्थानीय विधायक, जिला व ब्लॉक के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। मैं आज जो कुछ भी हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले की देन हूँ। चंद्रकला कुशवा बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज 11 अप्रैल को 19वीं सदी के महान भारतीय विचारक और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पूर्व सरपंच रामदीन कुशवा के नेतृत्व में गांधी तिराहे बसेड़ी में मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर व दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका चेयरमैन चंद्रकला कुशवा ने की। उसके बाद सभी ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र कौशिक ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीबों, महिलाओं, दलितों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा सामाजिक संस्थाओं व कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। नगर पालिका चेयरमैन चंद्रकला कुशवा ने कहा कि 19वीं सदी के भारतीय समाज में जात पात, बाल विवाह सहित कई कुरीतियां व्याप्त थीं। महिलाओं व दलितों की स्थिति बेहद खराब थी। महात्मा फुले ने भारतीय समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। महात्मा फुले बाल विवाह के खिलाफ व विधवा विवाह के समर्थक थे। वह अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर लड़े। मैं स्वयं यह मानती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इसका श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले को ही जाता है। नहीं तो हमारे समाज में महिलाओं को इस तरह के पदों पर बिठाने की कोई सोच ही नहीं थी। कार्यक्रम में आयोजक पूर्व सरपंच रामदीन कुशवा, सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र कौशिक, चेयरमैन नगरपालिका बसेड़ी चंद्रकला कुशवा, विक्की कुशवा, सुरेश, सतीश, भीमसेन कुशवा, रूप सिंह, उम्मीद सहित कई लोग उपस्थित थे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। आग लगने से गरीब का आशियाना भस्म और बाल बाल बची जाने, बसेड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव बागथर मजरा के अंतर्गत लखबी का अड्डा स्थित मित्ता सिंह कुशवा की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लगने से सारा सामान और अनाज सहित समस्त सामग्री जलकर राख हो गई। झोपड़ी में रखे 2 सिलेंडर के फटने से कई लोग घायल होने से बाल बाल बच गए, लेकिन गरीब की छत और साल भर के लिए रखी हुई खान पान की सामग्री नष्ट हो चुकी है, जिससे परिवार सदमे में है। प्रशासन और आमजन से गरीब की सहायता हेतु अपील करते हैं। मंत्रालय कर्मचारियों ने एससी आयोग अध्यक्ष बैरवा को दिया ज्ञापन, बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर महासंघ की शाखा बसेड़ी की ओर से सामूहिक अवकाश के दूसरे दिन मंगलवार को मंत्रालय कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा को कांग्रेस कार्यालय बसेड़ी पर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बैरवा से उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करने की अपील की, जिस पर बैरवा ने कार्मिकों की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से सकारात्मक वार्ता करने का भरोसा दिलाया। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद
कार्यालयों में रोजमर्रा के काम की रफ्तार धीमी हो गई है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा ने कहा कि सरकार सभी संवर्ग को दोनों हाथों से लुटा रही है, लेकिन मंत्रालय संवर्ग की जायज मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर आज एससी आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया है। इसी मौके पर संघ के महामंत्री सरनाम सिंह, मुरारीलाल मित्तल, विपुल गर्ग, अंकुर परमार, सौरभ कौशिक, शंकर सिंह, श्याम, रोहित शर्मा, अमित, आयुष गर्ग सहित विभिन्न विभागों के बाबू संवर्ग के कर्मचारी मौजूद थे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक युवा भाग लें, बोहरे महावीर सिंह। धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय परशुराम सेना धौलपुर द्वारा रणछोड़ नगरी में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। रक्तदान से व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित होता है, यह बहुत ही कल्याणकारी काम है। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस शिविर में हमारे युवा अधिक से अधिक भाग लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी आशा के साथ मैं राष्ट्रीय परशुराम सेना को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे सराहनीय कार्य होते ही रहने चाहिए। शाखा धौलपुर द्वारा रणछोड़ नगरी धौलपुर में जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। रक्तदान से जीवन व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित होता है। ये महान कल्याणकारी कार्य है। मेरी सभी से निवेदन है कि इस शिविर में हमारे युवा अधिक से अधिक भाग लें और शिविर को सफल बनाएं। इन्हीं सब आशाओं के साथ मैं उन्हें भगवान परशुराम सेना को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम जनहित के कार्यक्रम है और इनको करते रहना चाहिए। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों ने किया सामूहिक हड़ताल का आगाज कर किया प्रदर्शन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ शाखा बसेड़ी की ओर से मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को लेकर सोमवार से सभी विभागों के बाबुओं ने सामूहिक हड़ताल का आगाज किया। इससे पूर्व विगत दिनों सभी विभागों के बाबुओं ने दिनांक 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए आवेदन अपने अपने विभागाध्यक्ष को सौंपा। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा ने बताया कि सभी विभागों के बाबू संवर्ग के कर्मचारी दिनांक 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे तथा दिनांक 17 अप्रैल से जयपुर महापड़ाव में शामिल होंगे। इसे लेकर आज सभी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर उपखंडाधिकारी बसेड़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसके साथ 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर संघ के महामंत्री सरनाम सिंह, अशोक शर्मा, मुरारीलाल मित्तल, हरेश सिंह, देवेश शर्मा, विपुल गर्ग, अजमेर सिंह, रामेंद्र परमार, देवेंद्र शर्मा, दिनेश पाठक, लोकेश गोयल, अंकुर परमार, सौरभ कौशिक, आयुष गर्ग, धीरेंद्र सहित विभिन्न विभागों के बाबू संवर्ग के कर्मचारी मौजूद रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। जब जब बाबू बोला है, जब जब बाबू बोला है, सचिवालय हो या राजस्थान, सचिवालय हो या राजस्थान, बाबू एकता जिंदाबाद, 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 बाबू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वनखंडी हनुमान मंदिर पर हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। तसीमो सेपो की प्रमुख खबर। वनखंडी हनुमान मंदिर पर कथावाचक आचार्य पंडित श्री आदर्श कृष्ण अनुरागी के मधुर आवाज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ दिनांक 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक किया जा रहा है, जहां दूर दूर से आकर श्रद्धालु भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं। भागवत कथा का आज छठा दिन है, जहां श्रद्धालु भक्त नाच नाच कर इस संगीत में कथा का आनंद ले रहे हैं।